इतनी दरिंदगी तो बड़ा, उसको तो कत्ल कर देना चाहिए, उसका तो हाथ पैर काट देना चाहिए। लेकिन अगर उसके खिलाफ अब तक मुकदमा करेंगे दर्ज नहीं, अगर उसका कोई गवाह नहीं बने, अगर वो छूट गया छोटी बात लगाए तो फिर इस समाज में कलंक लगेगा। इन और बच्चे ने भी इनने की और गाँव में भी खतरा है, एक ने देखकर दूसरा भी करेगा। ये जो है इसके जो बुआ है, जो लड़का गुजरा है उसकी लड़की है मेरा, अच्छा पानी प्रदार से मेरी एमएम चलेंगे, मदद करेंगे। गांव राम हमारे में छोटो, हम इसका मकान बनाओगे, आदमी छोड़ेंगे, सब चीज करेंगे। लेकिन वह बात है, फैसला परिवार ले होगा भाई, मदद के लिए तो बहुत आदमी तैयार है, मदद के लिए तो जब बनाना सही है तब मिलने का मिलो तैयार होगा रे। आप भी गांव मत, हम ही गांव मत नहीं, सोनीपत से। अच्छा सोनीपत से हां, हमारे टायर की एजेंसी, बच्चे भी डॉक्टर हैं। अच्छा आप हां हां, ये जो तो रिश्तेदारी में पड़ो या वैसे रिश्तेदारी में? अच्छा जी, रिश्तेदार है, केला को रिश्तेदार हां, उसका फूफा लगा लड़की के। अच्छा लड़के फूफा लगा, देखो जी आप भी समझदार हो, ये भाई है। चार दिन तो हम रुके पड़े, मारा तो फोन पे एक गांव मिले, सोमवार ने पंचायत होनी, ये गांव के बैठे सारे, ये बोले हमने तो नहीं पंचायत होने, क्या की है ये गांव राम बैठे है सारे, राम करेगा तो भाई नहीं, हमने इनते पूछी मां कल पंचायत क्या की, बोले हमने तो पता है कोई कोई एमएलए आनी है लेडीज, बोले पंचायत बड़का है तो कोई पंचायत हम तो मदद के लिए आए हैं, हमने पता लग गया, कल ही पता लग गया है। ये जो है इसके जो बुआ है, जो लड़का गुजरा है उसकी लड़की है मेरा, अच्छा पानी प्रदार से मेरी एमआरएफ एजेंसी है, अंडा मोटरसाइकिल शोरूम का काम है, एक बेटा बेटा डॉक्टर है, दोनों लड़की जो आ रही बच्ची आ रही है वे लेक्चर आ रहे हैं, भगवान की दयात है। ये सुनकर जब आया मैं, देखो मदद के लिए तो गांव राम सब कुछ करेगा, और मदद के लिए तो ये बच्चे क्या पता अच्छा ही हो इंसान ने, क्या पता ये आईपीएस बनकर बैठ गया, शिक्षा सपना है, सब इसका डॉक्टर का इसका सपना तो है, बुढ़िया कह रही है सपना तो पढ़ाने वाले तो बच्चे हैं, पढ़ने वाली लड़की होगी तो क्या पता क्या हो गया, मेरे गुआंड में मेरे 24 एम हुआ आतलगोत है, एक तक दानी पड़ा है, इनका तो भगवान है बच्चों का, तो करने वाला जैसे भाई साहब है ये है, एजुकेशन है सब, शादी के लिए सब सब तैयार है, दिक्कत कड़ा रही है, फिर दिक्कत किसी दिक्कत परिवार कर मारी, गांव गांव करेगा परिवार करेगा, परिवार बाधा नहीं है, परिवार इकट्ठा नहीं है। अच्छा दूसरी चीज सगे है, ताऊ काका है, हम तो पहले आए थे, मैं तो आज से 30 साल पहले आया था, जब पहलवान था जगराम, इसका दादा पहलवान, हाँ ये भी इनके काका ताऊ में थे, जब आया था मैं, बहुत अच्छा घर था जगराम ने, यहाँ सुन इस हल्के में इज्जत थी, जाना थे, मैंने 800 रुपया की मैच ले ली, अच्छा जी अर्जग्राम चला गया, पैसे नहीं थे, बोला पैसे नहीं लेने इससे, अच्छा 800 में 1000 रुपये फिरौती फेर रखी उस टाइम पर, 500 रुपये 100 रुपये फिरौती फेरती थी, जगराम का भी इज्जत थी, अर्जग्राम का नाम सुनकर हम यहाँ आए हैं, मैं इसको ले गया हमरा साड़ा है, अच्छा जी धार से भाई हम चलेंगे, मदद करेंगे। गांव राम हमारे में छोटो, हम इसका मकान बनाओगे, आदमी छोड़ेंगे, सब चीज करेंगे। लेकिन वह बात है, फैसला परिवार ले होगा भाई, या तो मतलब संभाल लो या फिर जेन्यू लागे नहीं भाई, कौन ही बनती बात, छोड़ेंगे हॉस्टला खर्चा देंगे, सब चीज देंगे, मेरे बच्चों ने मैं भेजेंगे, हमने तो बहुत बड़ा वो दुख है भाई, ऐसे माँ बाप जिसके दादा दादी थे उनके बच्चे ऐसे संस्कार ऐसे मिले उन्होंने, उनको ऐसे ऐसे घर में ऐसी स्थिति हो रही है। लेकिन जो बाप अपनी बेटी ने 8 साल की इतनी दरिंदगी तक, उसको तो कत्ल कर देना चाहिए, उसका तो हाथ पैर काट देना चाहिए। लेकिन अगर उसके खिलाफ अब तक मुकदमा करेंगे दर्ज नहीं, अगर उसका कोई गवाह नहीं बने, अगर वो छूट गया छोटी बात लगाए तो फिर इस समाज में कलंक लगेगा, इन बड़का ने और बच्चे ने भी इनने की और गाँव में भी खतरा, एक ने देखकर दूसरा भी करेगा, जो नशेड़ी है अपराधी है उनकी तो फिर हौसला बढ़ेगा। हमारे यहाँ तो भारत में कानून नहीं, उनके तो हाथ पैर काट दे सारे भक्त है, वो काम देखे सजाम क्या बात करे, कही के सरेआम तेल छिड़क आग लगा दिया, लेकिन परिवार को उड़े को उड़े सजाम क्या, रोटी मिल लगी उन्हें, दाल रोटी मिल लगी, टीवी मिल लगा, चाय मिल लगी, सजाम क्या है। हम तो उससे डरते नहीं, गांव वाला कोई नहीं डरता है, लेकिन ये परिवार को डरा हुआ, ये बच्चे सुरक्षित होने चाहिए। ये कह रहे हैं बोले परिवार वाले कहते हम तो बोले तेल छिड़क का गांव में आग लगा दिया, बीच का बोले हमने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक अपराधी छूट गया नहीं, जिसने नहीं मेरा पूरी दुनिया ने मेरा के एक बाप ने अपनी बेटी मारी, अगर वो छूट गया तो फिर कलंकित होगा सारा, कलंकित सारा गांव का समाज कलंकित होगा, गांव का समाज कलंकित होगा, उसने देखकर दूसरा भी करेगा। जो नशेड़ी गांव में चर्चा चल रहा है, जो नशेड़ी गांव में है जो गलत काम कर रहा है वो दूसरा भी करेगा, वह भी बनेगा, ये तो कानून
ऐसे हैं जो गलत है, कानून गलत है उसके। जो लड़की जिस आदमी ने करे उसका गाँव में न्याय देना चाहिए था। ठीक बात है। और उसके अलावा ये न्यू भी दूसरा आदमी भी समाज ये देखा भी इसके साथ ये हो रहा है, आज हमारी बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है और हम खड़े खड़े देख रहे हैं। 6 महीने बाद उसके गवाह नहीं होते, गवाह पैसे एबल से खरीद कर ले आता है। इसके माँ बाप ने कोई दूसरा आदमी दूसरा सेट लेगा, क्राइम करवा लेगा, उसको वहाँ से कोर्ट में वकील करके बरी ले आएगा। इसके साथ भी कोई होने वाला गाँव में या घर में या मतलब इनके समाज में कोई इनका गवाही नहीं है, वो भी 6 महीने बाद छूट जाएगा, छूट जाएगा। और फिर इनको खतरा तो है ही। इस तो पहले भी दादा दादी बोले, इसकी मम्मी हवा भी चढ़ी अमरी भाई, मतलब बोले 3-4 आदमी और मैं रखे, उनका पता नहीं। हम तो बुढ़िया बता रही इस परिवार के बारे में, बाकी नहीं। हम तो जगराम में था जब आए थे, आते 20-30 साल पहले। देखो हम भी सुनिए, हम जो आप तो फिर भी हम मैस ले गए थे जब तक हमारे बच्चे छोटे थे, हम बिजनेस में नहीं बड़े थे। आज भगवान की दादी उसकी दया है, आज हम खुशहाल हैं, सारा बच्चा शिक्षित है, 5 भाई हैं। तो यानी 30 साल बाद आए हो आप? 30 साल बाद आए, 5 साल, 5 भाई, 13 लड़के, 11 नौकरी करे, 12 काम संभाल रहा है, 1 लड़का खेती करा है। 30 साल के बाद पता लग गया है भाई ऐसे ऐसे है। दूसरे गांव का था गोलदार, उसने बताया पेपर में पढ़ी थी, पर ये नहीं पता था जगराम का लड़का है। अच्छा, पेपर में पढ़ी थी, पेपर रोज ले पढ़ी थी, 1972 में मैट्रिक करी थी, पढ़ी थी, पर ये नहीं पता था जगराम का लड़का है, उसने ये काम किया। ऐसे परिवार, ऐसे अच्छे आदमी के इंसान, जो पहलवान इस एरिया नाम था पहलवान जगराम, हमने भी गर्व था, और आज उस परिवार में ऐसे हो रहे हैं, जल्लाद पैदा हो रहे हैं। तो ये तो लक्ष्मी है, ये तो लक्ष्मी जांच भी जाएंगी, ये तो लड़की एक लक्ष्मी का रूप लेगा हुआ है, ये कह दे मेरा लड़की नहीं है। आज मेरी लड़की के पास मेरा नहीं क्या है, दिल्ली तक जाना था जगराम ने। हाँ, दिल्ली तक जाना था जगराम ने। मेरा हमारा 12 लड़के है, 13वीं एक लड़की है, लड़की आज भगवान की दाद लक्ष्मी है लड़की का रूप। और कुंवारी लड़की तो एक जो हमने सुना दाने मंगवाए, इसने बताया दाने मंगावा, लड़की तो एक लक्ष्मी का रूप है, उसके तो पैर छूने चाहिए सुबह उठ के अच्छे इंसान ने। इसका भी निशान है, इसका भी अंगड़िया पे क्लास पर। हाँ, ऐसे इंसान को तो गांव में ही कानून नहीं, भारत में कानून नाम के नहीं, इसलिए तो ये अत्याचार हो रहे हैं। भारत में कानून नहीं, कानून हम गए थे सऊदी अरब गए थे और अमरीका गए थे, उड़ा खुद पब्लिक हीटर कर दिए है यार, कानून नहीं, जो थूक भी नहीं सकता, थूक भी नहीं सकता रोड पे। या जैसे ही भी लड़की के साथ होगा, गांव के 5-7 आदमी हो गए उसको दंड, यहाँ ऐसा कानून बन जाए जैसे जैसे लड़कियाँ के। अपने गांव के सरपंच तो बात करिए एक बार थोड़ा, देखो नुगार भाई एक जिम्मेवार इंसान कह दिया सरपंच ने, भाई तेरी के राय है, सरपंच का कहने दे भी गांव इकट्ठा हो सके, चलो एक टाइम है तेरा परिवार नहीं आ रहा हो, उसका गांव इकट्ठा होगा, परिवार तो रहा है जो भाई, कोई मजबूरी है कोई डर है पूछ लेना। सरपंच के भी जाएंगे, अभी आए हैं, इनके पास चाय लिए पानी लिया है, इनके पास पहले गुजर गए थे, हमारे गुजर गए थे, इनके पास आए हैं, सरपंच से भी राय लेंगे। वैसे यह चीज उसका है, हाँ, इनके परिवार से भी राय लेंगे, जो कहीं बाहर रहे तो क्या करने, सभी के नंबर लेंगे। हाँ जी, अखबार से फोन आ रहे हैं, पैसा पैसे से लड़की को ऐसे है कि 2 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन इनकी पहले सुरक्षा होनी चाहिए। नहीं, हमें तो यह बात करे, पहला तो सुरक्षा हो, पीछा का केक रखे करिए, सुरक्षा पीछा देनी है तो बहुत आ जाएंगे। यही सोच रहा हूँ, पैसा पैसा बोल रहे हैं। नहीं जी, पैसा की बात हमने नहीं करी, मैं भी गया, यहाँ सुरक्षित नहीं है लड़की, ताऊ जी सुनो, सुरक्षा होनी चाहिए, सुरक्षित तो जी का परिवार करेगा ना, परिवार करेंगे, परिवार फिर गाँव का, गाँव का नहीं, पहले परिवार करेगा, उसके बाद गाँव करेगा, उसके बाद भी निमंत, फिर रिश्तेदार करेंगे, जैसे आप आए आपने पता लगी तो आप तो बाद में है, पहले नहीं, नहीं, फिर भी गाम राम तो पहले है, पहले उसके बाद रिश्तेदार है, महाराज जी से तो बाद में आते बहुत सुरक्षित। तो देखो भाई बात, बोला दोषी ने सजा मिलगी, नहीं मेरा वो 20 साल बाहर नहीं आना तो बाला खुले घूम लेंगे ना, ताला लगाए किट मिल गई इसको, जेल में कैमरे लगे हुए, टेलीविजन चल रहा है, सुबह उसका चाय मिलन ला रही, नाश्ते में खाना मिलन ला रहा, तो वो चीज है जो शायद घर नहीं मिलती, घर नहीं मिलती उसने, जो घर नहीं मिल रही होगी, 2 रुपये का पिटा रहा था उड़ा, वहाँ सारी चीज की सुविधा है, अरे एक टेक बदमाश ऐसा है, उसको जूते भी देगा, वो भी देगा। एक मेरा परिवार में एक सपलड़ा, उसने 7 मर्डर करे, छोटा बच्चा चला गया था, बदमाश आ गया थे गया, वो उड़े उसको जूते लेते दे दिया, फिर 12 का मर्डर ला क्या करना, वो बदमाश बना दिया, वहाँ तो एक बहुत सुरक्षित है, कानून नहीं, एक ये बता दी कानून नहीं, भारत में ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, ऐसी लड़की जैसे ये बलात्कार हो रहे हैं, 5 साल की लड़की के साथ हो रहे हैं, इनने कितना बड़ा वो कराया है इसके बाप ने, उसको तो इतनी जेल जाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ
दंड मिलना चाहिए था। एक चीज और उसका जी, देखो बात परिवार पर तो उठे रही बा, परिवार आगा है। एक चीज भी तो उसका नाम किसका चल रहा, बात गलत बजाना खुर्द आज दुनिया में नाम हो गया, गांव भी इकट्ठा हो गया एक टाइम खतर भाई, अपना गांव का सवाल है गया, परिवार तो रहो भाई, तारी कोई मजबूरी हो भाई, तम तारे भीतर की तो बात बताओ, देखो नाम तो गांव का ही हो रहा है जी, जड़े भी बात जा रही है तो गांव के लिए भी दर्दनाक बात है यार। जगराम की बोटी नहीं बजाने गांव की लक्ष्मी, यही तो बात हो रही है, बजाने गांव की लक्ष्मी, बजाने गांव की लक्ष्मी है। दो दिन हो गए तो गांव ने भी कोई डिसीजन ले लेना चाहिए, ले लेना चाहिए, बुजुर्ग आदमी गाँव के मौजूद आदमी आगे पंचायत में निर्णय लेना चाहिए, इसका संविधान बैठाना चाहिए। दानी तो जैसे ये भाई साहब हैं, दानी तो बहुत हैं, दानी तो ऐसे भी हैं जो इसका घर भी बना देंगे, नौकर भी छोड़ देंगे, दानी बहुत हैं, सब कुछ कर देंगे, पर वे सुरक्षित गांव रखेगा। देखो परिवार की तो हम नहीं मानते कि भैया एक के परिवार की जिम्मेवारी, फिर बेटी तो पूरे गांव की है, क्या बन जाए लड़का, क्या बन जाए, बेटी तो पूरे गांव की है, एक जो ग्राम की थोड़ी है, पूरे गाँव की लक्ष्मी है।